हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएशन विद अनवी। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ पालक के पराठे की रेसिपी। पालक में आयरन एंड फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जिसे हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। हम कई तरीके से पालक को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो चलिए आज इसके हम पराठे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है स्पिनच के पत्ते जो कि धुले हुए हैं, एक अनियन, जिंजर एंड गार्लिक और ग्रीन चिली। मैंने बारीक चॉप कर लिया है, अनियन को चॉप कर लिया है एंड जिंजर गार्लिक एंड मिर्च का मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है। चलिए अब इसका आटा लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा। आटे में सारी चॉप चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसमें ऐड करूंगी मैं एक टेबल स्पून ज़ीरा सीड्स, वन पिंच हींग, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप पालक के पराठे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आपको पराठे कैसे लगे। अब मैं अच्छे से आटे को मिक्स कर लूँगी। इसके बाद पानी की हेल्प से एक सॉफ्ट आटा गूंद लूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करते हैं क्योंकि इसमें नमक पड़ा हुआ है, जिससे गीला आटा बनने से ये चिपकने लगता है और पराठे अच्छे नहीं बन पाते हैं। देखिए, आटा बन के तैयार हो गया है। देखिए, सॉफ्ट आटा है। अब मैं इसके पराठे बना लेती हूँ। पराठे बनाने के लिए मैंने थोड़ी बड़ी लोई काट ली है। इसी प्रकार से आप बड़ी लोई काटें। परथन की हेल्प से लोई को हम रोटी में बेल लेंगे। जो नॉर्मल रोटी होती है उससे थोड़ा मोटा पराठा रखना है। देखिए, मैंने पराठा बेल लिया है, थोड़ा सा मोटा है। पैन को गरम कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा घी लगाऊंगी, उसके बाद पराठे को डाल दूंगी। पराठे को पलट दिया है, देखिए पराठा ब्राउन हो गया है। अब इसमें घी लगाऊंगी, बाकी इसको पलट के फिर से इसमें घी लगाऊंगी और पराठे को इसी प्रकार से सेक लूंगी। पराठा सीक गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बची हुई लोइयों से भी हम इसी प्रकार से पराठा बनाकर सेक लेंगे। पराठे बनके तैयार हो गए हैं। आप पालक के पराठों को ब्रेकफास्ट में दही या चटनी के साथ ट्राई करें। Thank you for watching.